guys, this is Prajuri and a big welcome to my channel Prajuri's Artwork. क्या आप इसको देख रहे हो? अरे यार दिसंबर आ चुके हैं and दिसंबर मतलब क्रिसमस ईव. So guys, आज मैं क्रिसमस स्पेशल एक पेंटिंग बनाऊंगी and ये पेंटिंग देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो and बेल आइकन को दबा दो. एंड गाइस, इसके पहले मैं क्रिसमस स्पेशल एक कार्ड मेकिंग वीडियो बनाया था. अगर आप इसको अब तक नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देख लीजिए. मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक ऑलरेडी डाल चुके हूँ. एंड गाइस, नेक्स्ट आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो ये वोटिंग करने के लिए एंड वीडियो की अपडेट जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो कर दीजिए. मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया है. So guys, don't skip the video and watch till the end. I hope you will like this video. Let's start the video. Okay guys, तो पहले मैं एक पेंसिल स्केच रेडी कर लिया था. अब मैं इसको स्केच करूंगी मार्कर पेन से. तो गाइस, जब तक मैं ये स्केच पूरे करूंगी तब तक आप अपने दिसंबर का प्लान तो बता दो और क्रिसमस प्लान कैसे स्पेंड करोगे और कहाँ घूमने जाओगे. मेरा भी घूमने का प्लान है एंड अगर आप ब्लॉग देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पर बता दो, मैं जरूर वीडियो डालूंगी. सो गाइस, मैं यहाँ पर क्रिसमस ट्री को स्केच कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं इस पेंटिंग को कलर करूंगी. एंड गाइस, ये पेंटिंग बनाने के लिए मैं जो भी मटेरियल्स यूज किया है उन सब का नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी. आप लोग जाकर प्लीज चेक कर लीजिएगा. अरे चुप कर छोटी. सो गाइस, मैं अब इस कैमल की ऑयल पेस्टल से ये पेंटिंग को कलर करूंगी. सो गाइस, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लाइट ब्लू कलर, प्रोशियन ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर. एंड ये कलर को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगी व्हाइट कलर और आप व्हाइट ग्लास मार्किंग भी यूज कर सकते हो. सो इन दोनों कलर से इस जगह को हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगी. तो मैं ये पर जो भी कलर्स यूज करूंगी उन सब का नेम आप स्क्रीन पर देख पाओगे. एंड गाइस, ये मेरी 50 शेड्स का ऑयल पेस्टल्स है. पर सबके पास 50 शेड्स नहीं होता है, 25 होता है. पर यहाँ पर मैं जो कोई भी कलर कर रही हूँ 25 में आपको मिल जाएगा. 25 शेड्स में आपको जो कोई भी कलर्स मिलेगा उनसे ही मैं ये कलर कर रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो गाइस, क्रिसमस ट्री को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर स्टेडलर की कलर पेंसिल्स यूज किया है. यहाँ पर मैं अपर साइड पर लाइट ग्रीन एंड लोअर साइड पर डीप ग्रीन यूज किया है. पेंसिल कलर से कलर करने के बाद मैं इसके ऊपर फिर से ऑयल पेस्टल से कलर करूंगी. एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना. एंड ये कलर भी आपको 25 शेड्स में मिल जाएगा. सो गाइस, यहाँ पर मैं शेडिंग के लिए यूज करूंगी अप्सरा की ब्लैक ग्लास मार्किंग. ओके छोटी, मैं नेक्स्ट वीडियो पर सांता क्लॉस बनाना सिखाऊंगी. अगर आप छोटी की जैसा सांता क्लॉस बनाना दिखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पर प्लीज बता दो. अरे तुम ना छोटी. सो गाइस, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ब्राउन एंड येलो ओकर कलर्स एंड ये कलर्स भी आपको 25 शेड्स पर मिल जाएगा. एंड गाइस, आपको तो पता ही है शेडिंग के लिए ब्लैक ग्लास मार्किंग कलर यूज करना है. सो मैं यहाँ पर फिर से लाइट ब्लू कलर यूज कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं फिर से ब्लू कलर यूज करूंगी. अरे वाह छोटी, बट आई टोल्ड इट फर्स्ट. पर फिर भी मैं कह देती हूँ, अगर आप वीडियो का अपडेट जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो कर दो. मैंने डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी लिंक डाल चुके हूँ. सो गाइस, ये कलर पूरे करने के बाद मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर से इसको ब्लेंड करूंगी जैसे कि ये जगह आईज आईज जैसा दिखे. सो गाइस, मैं यहाँ पर व्हाइट ग्लास मार्किंग यूज कर रही हूँ और आप चाहिए तो व्हाइट पेस्टल कलर से भी कर सकते हो. सो गाइस, देखो मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ. ये जगह आपको ठीक से देखना पड़ेगा. अरे यार, ये जगह तो पूरे माउंटेन जैसा दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि पूरे जगह आइस से कवर है. एंड गाइस, यू नो व्हाट, आई एम ए माउंटेन लवर. आई रियली लव माउंटेन एरिया सो मच. एंड गाइस, आपको कौन सा एरिया पसंद है, माउंटेन, सी और जंगल? मुझे भी माउंटेन पसंद है और
हाँ छोटी, मैं जानती हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की एक शेड अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहिए तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ब्लैक कलर की जगह आप ब्लू कलर से भी ये शेडिंग कर सकते हो। तो अब मैं किसको कलर करूंगी, आपको तो पता ही है। यस, मैं हर संता क्लॉस को कलर करूंगी। एंड मैं यहाँ पर स्टेडलर की रेड कलर की पेंसिल यूज कर रही हूँ। एंड इसके ऊपर मैं रेड पेस्टल कलर से फिर से कलर करूंगी। अच्छा बाबा, मैं ये तुम्हारे लिए खरीद कर लाऊंगी। अब खुश? अच्छा बाबा, आप चुप कर दो। सो गाइस, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ रेड कलर की ग्लास मार्किंग। एंड अब इसके जगह स्टेडलर की कलर भी यूज कर सकते हो। सो गाइस, मैं इसको पहले जैसे ही कवर करूंगी। एंड इसके बाद मैं इसके ऊपर फिर से पेस्टल कलर से कलर करूंगी। तो एट फर्स्ट आपको बॉर्डर एरिया को कवर करना पड़ेगा, जैसे कि ये कलर बाहर ना जा सके। सो गाइस, अब मैं इस सांता क्लॉस को लाल कलर से भर दूंगी। जोक्स अपार्ट गाइस, हम सबको पता है कि सांता क्लॉस का ड्रेस रेड कलर का ही होता है। सो अब मैं सांता क्लॉस की बैग को कलर कर देती हूँ, जहाँ पर सांता क्लॉस हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं। सच कहूँ तो गाइस, हमको प्यार करने वाले लोग और हमारा माँ बाप ही हमारे लिए सांता क्लॉस जैसा है। मुझे उनके ऊपर इतना विश्वास है कि मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। आई गॉट इमोशनल, सो इसको छोड़ो गाइस, वीडियो पर कंसंट्रेट करो। तो गाइस, अब हम सांता क्लॉस की फेस को कलर करेंगे। एंड यहाँ पर मैं स्टेडलर की कलर पेंसिल यूज कर रही हूँ। एंड कलर पेंसिल के बाद उन जगह को मैं येलो ऑकर कलर से फिर से कलर करूंगी। सो अब हम उन जगह को व्हाइट कलर से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के लिए आप यहाँ पर अप्सरा की ग्लास मार्किंग भी यूज कर सकते हो, व्हाइट ग्लास मार्किंग। पर यहाँ पर मैं स्टेडलर की कलर पेंसिल यूज किया है, तो इसके लिए मैं स्टेडलर की ही व्हाइट कलर यूज किया है। सो गाइस, अब मैं कलर करूंगी सांता क्लॉस का बेल्ट को। एंड ये डीप येलो कलर का होगा। सो इस जगह को मार्कर से स्केच कर देती हूँ। एंड इसके बाद हम सांता क्लॉस की शूज को बनाएंगे, कलर करेंगे। सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर। एंड इसके बाद येलो ऑकर कलर। एंड इसके बाद ब्लैक कलर की एक सेट होगा। तो यहाँ पर आप ग्लास मार्किंग भी यूज कर सकते हो, बट इसके आगे देखो, मैं यहाँ पर ग्लास मार्किंग ही यूज करूंगी। एंड गाइस, आपको पता है क्या, मैं क्रिसमस स्पेशल एक कार्ड मेकिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हूँ। एंड यहाँ पर मैं जो सांता क्लॉस बनाया था ना, वो भी मैं चावल से बनाया था। एंड अगर आप ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी लिंक डाल चुके हूँ। सो मैं यहाँ पर गिफ्ट्स को कलर कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है गाइस। एंड ये बहुत क्यूट दिख रहा है। सो इसके बाद हम करेंगे लाइटिंग, ड्रॉइंग ही करेंगे यार। देखो मैं कैसे कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पर 000 की एक राउंड पेंट ब्रश एंड फैब्रिक कलर यूज किया है। एंड क्रिसमस ट्री के ऊपर स्टार तो बना दूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। सो गाइस, पिक्चर की राइट साइड पर जो क्रिसमस ट्री है, उसको भी मैं ऐसे ही कलर किया है। एंड ऐसे ही लाइट से सजाया, लाइट ने ही कलर से ही। तो बताओ गाइस, ये कैसा दिख रहा है? अरे यार, मेरे बॉर्डर तो कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं एक चुटकी में आपको बॉर्डर कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो देखा मैंने कैसे एक चुटकी में बॉर्डर को कंप्लीट कर दिया है। सो हमारा ये पेंटिंग कंप्लीट है। तो बताओ गाइस, ये कैसा दिख रहा है? मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहा है। और छोटी, तुम बताओ कैसा दिख रहा है? ओके बाबा, नेक्स्ट संडे पर मैं जरूर बना दूंगी। सो गाइस, आज का पेंटिंग वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बता देना। एंड एक लाइक जरूर कर देना मेरे वीडियो को। Hey!
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।